अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ असद इकबाल एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड दैट इज़ रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स इंटरफेसेस एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, द बेसिक आइकन्स यूज्ड इन कंप्यूटर. सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, बट फॉर दैट यू गाइस हैव टू मेक श्योर कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझो और पूरी वीडियो देखो ताकि आपको चीज़ें ज़रा क्लियर हों. तो इस चैप्टर का नाम जो है द सेकंड चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम, द फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑपरेटिंग सिस्टम. बेसिकली इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सॉफ्टवेयर की टाइप्स को एक्सप्लेन किया है और उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप थी जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. उस टाइम मैंने काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं, लेकिन इवन देन आज एक दफ़ा फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या बेसिकली. तो इस चीज़ को समझने के लिए आप लोगों ने ये देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बेसिकली एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पैराग्राफ. If you talk about like this paragraph, okay, upper one. So अगर हम इसकी बात करें इस पैराग्राफ की, ये जो है हमारे पास, इसकी आसान तारीफ मैं आपको बताऊँ तो वो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर विच फैसिलिटेट यूज़र टू यूज़ द कंप्यूटर. अब हम सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जिसकी मदद से हम क्या कर सकें, आसानी के साथ सिस्टम को, उस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकें. सो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम. लास्ट टाइम मैंने इसकी एग्जांपल भी आपको दी थी कि जो हमारे पास एक विंडो होती है दैट यूज़ टू बी अ ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो आपके पास हेडिंग है, अगर हम इसकी बात करें, हेडिंग की बात करें, तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बुनियादी मकासद में आते हैं. और वो बुनियादी मकासद क्या हैं, तीन बेसिक मकासद हैं आपके पास. एक तो ये है कि इट मेक्स कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है उसको क्या करता है, कन्वीनियंस और एफिशिएंट बनाता है. कन्वीनियंस का मतलब आसान और एफिशिएंट मतलब बासर तरीके के साथ हम उसको इस्तेमाल कर सकें. उसके अलावा बड़ा आसान कर देता है कंप्यूटर का इस्तेमाल करना आपके लिए. और जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं, आपको ऐसा नहीं पता होता कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते कौन से हैं. कंप्यूटर के रिसोर्सेज में आपके पास आ जाता है CPU, आ जाता है आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, आ जाती हैं मेमोरी, आ जाती है आपके पास. ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास, ये सारी आपके पास क्या होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाती है. और जितने भी रिसोर्स, ये सारे रिसोर्सेज कहलाते हैं. इन तमाम रिसोर्सेज को बड़े एफिशिएंट मैनर के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है. और चीज़ एफिशिएंट मैनर के ज़रिए इनको इस्तेमाल कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. ठीक है, उन ऑब्जेक्टिव्स के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास फंक्शंस भी हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के. और उन फंक्शंस में सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट, उसके बाद मेमोरी, इनपुट आउटपुट, फाइल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, यूज़र मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी आप लोगों के सामने. लेकिन सबसे पहले क्या आपके पास प्रोसेस मैनेजमेंट है, तो हम देखते हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट में होता क्या. आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बात बताऊँ कि कंप्यूटर के अंदर जो भी कोई भी काम करना हो तो वो सबसे पहले आपके पास CPU में जाता है. कोई भी एग्जीक्यूशन करनी हो, जिस भी प्रोसेस की, जिस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करनी हो, उसको हम कहते हैं कि यार ये पहले किसके पास जाएगा, CPU के पास आएगा. तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस मैनेजमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस वन वी आर गोइंग टू स्टडी दिस वन. सो वी जस्ट कम टू नो दैट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस. ओके, तो इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई भी प्रोग्राम, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज़ कॉल्ड प्रोसेस. कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो एग्जीक्यूशन के दौरान हो, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन हो, उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, प्रोसेस है. ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं एक ही टाइम पर काम कर रहे हो. और आपको पता है कोई भी प्रोसेस होना तो पहले कहाँ पर जाता है, CPU के पास जाता है, तब जाके प्रोसेस उसके ऊपर हो रहा होता है. और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि उसको कुछ और रिसोर्सेज भी यूटिलाइज करने होते हैं, ये कुछ और रिसोर्सेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो भी उसको कॉल कर लेती हैं फॉर द टाइम बीइंग. तो वो जो CPU के पास था
वो उसको वापस भेजता है उन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास। ठीक है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दीज पैराग्राफ्स, ओके। तो इनको आपने ज़रा रीड आउट भी कर लेना साथ में। तो अब आपके पास जब प्रोसेस की हम बात करें तो देर आर बेसिकली यू कैन से लाइक देर आर फाइव स्टेजेस ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट। लेट्स टॉक अबाउट दोज फाइव स्टेजेस। नंबर वन इज, यहाँ पे ज़रा मैंने शॉर्ट लिखा है, आप ज़रा इसको नोट ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले आपके पास होता है, इसको आपने ज़रा देखना है, ज़हन में रखना है, एन जो लिखा हुआ है इसको ज़रा डायग्राम का अपने यूँ ज़रा देखना है आपने इस तरह से, कि आपके पास सबसे पहले क्या होता है, एन लिखा हुआ है, ये एन से बनता है न्यू। जब भी आपके पास कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आता है तो उसके किन स्टेजेस में से गुजरता है वो ज़रा देखिएगा। सबसे पहले न्यू, न्यू मतलब नया प्रोग्राम आया किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। अब न्यू से वो किस तरफ आएगा, रनिंग स्टेज की तरफ। ये जो आर लिखा हुआ है ना, दिस इज़ नॉट अ रनिंग, दिस इज़ अ रेडी स्टेज। मतलब सबसे पहले प्रोग्राम आया वो किस फॉर्म में था, न्यू स्टेज में। अब न्यू स्टेज से वो किस में आया, रेडी स्टेज में आया। रेडी स्टेज में आया तो रेडी स्टेज में आपके पास एक लगी हुई है क्यू, क्यू लगी हुई है जो, और ये एक प्रोग्राम, दो प्रोग्राम, तीन प्रोग्राम, चार प्रोग्राम। तो अब इन चारों प्रोग्राम में लेट्स पे एग्जीक्यूट होना है, तो सबसे पहले जो प्रोग्राम आपके पास ये वाला, ये प्रोग्राम वहाँ से रेडी स्टेज से निकलता है और कहाँ पे आ जाता है, ये आ जाता है जी आपके पास रनिंग स्टेज में। आर यू एन स्टैंड फॉर रनिंग, रनिंग स्टेज। ठीक है, ये ऊपर जो पहले दो पढ़ के आया हूँ मैं, एन स्टैंड फॉर न्यू, आर स्टैंड फॉर रेडी, एंड दिस आर यू एन स्टैंड फॉर रनिंग। ठीक है, रनिंग मतलब यहाँ पे सी पी यू उसके ऊपर काम कर रहा है। अच्छा, अब ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम समटाइम्स कैसा क्या होता है कि आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होती हैं, वो उसको कॉल कर लेती हैं फॉर द टाइम बीइंग किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो रनिंग स्टेज से वो प्रोग्राम कहाँ से रहता है, दोबारा वापस वेटिंग स्टेज में आ जाता है। यहाँ पे ये जो वेट लिखा हुआ है इसको मतलब होता है वेटिंग स्टेज। ठीक है, वेटिंग स्टेज कहते हैं हम इसको। तो वेटिंग स्टेज पे जब आता है, तो वेटिंग स्टेज के बाद जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेज या कोई भी रिसोर्स उसके ऊपर अपना काम कर लेता है जिस काम के लिए उसको बुलाया गया था, तो बज़ाहिर यूँ लगता है कि यहाँ से वापस उसको रनिंग स्टेज में आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रनिंग स्टेज में नहीं आता बल्कि वेटिंग स्टेज से दोबारा कहाँ चला जाता है, रेडी स्टेज में। और जब रेडी स्टेज में जाता है तो वो दोबारा कहाँ लग जाता है, इस क्यू के अंदर, क्यू थी यहाँ पर लग जाता है पीछे। तो बाकी प्रोसेस आगे आते रहते हैं इस रनिंग स्टेज में, एक प्रोसेस आया, दो आया, तीन आया, जब उसकी बारी आती है फिर वो रेडी स्टेज से कहाँ आता है, दोबारा रनिंग स्टेज में आता है। और रनिंग स्टेज में आने के बाद जब उसके ऊपर देखा जाता है कि बाकी काम हो गया उसके ऊपर, तो वो चुप करके वहाँ से रनिंग स्टेज से कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे, ये यहाँ मैंने एरो का निशान लगाया है, ये है आपके पास टी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है कि टर्मिनेट। यहाँ पे प्रोसेस जो होता है वो सारे मराहल से गुजर के टर्मिनेट हो जाता है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि देर आर फाइव स्टेजेस ऑफ अ प्रोसेस। इस तरह एक पूरा प्रोसेस टेक प्लेस करता है, वकू पज़ीर होता है। तो आपने इसको ज़रा समझना है अच्छे तरीके के साथ, ठीक है, ताकि आपको क्या के प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये हमने पहला हमने पॉइंट होपफुली आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा मैंने प्रोसेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ मेमोरी मैनेजमेंट। देखो बेटा, सबसे पहले आपने ये चीज़ समझनी है कि कंप्यूटर के अंदर जब भी कोई चीज़ आती है, सेव होती है, महफूज होती है, तो उसको एक स्पेस चाहिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फ़ाइल है, एक मूवी है, कुछ भी है, जब मैं उस फाइल, मूवी या कुछ भी उसको जब मैं कंप्यूटर के अंदर सेव करूँगा तो उसको एक मेमोरी चाहिए होती है। ठीक है, कोई फोल्डर बनाऊँगा, कोई फ़ाइल बनाऊँगा, कोई इमेज रखूँगा, कोई इमेज इंसर्ट करूँगा, कुछ भी करूँगा, तो उसको एक स्पेशल, उसको एक मेमोरी एलोकेट होती है जिसके अंदर वो मौजूद होता है। वो कुछ KBs में हो सकता है, कुछ MBs में हो सकता है, कुछ भी। मेमोरी के बारे में मेरा पूरा एक लेक्चर मौजूद है, वो भी आप देख सकते हो। तो जब आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर जब वो आता है, तो उस प्रोग्राम को हम थोड़ी सी प्लेस देते हैं मेमोरी के अंदर, जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है, KBs में, MBs में, GBs में। तो जब वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, व्हेन दैट प्रोग्राम इज़ गोइंग टू बी एंड, जैसे ही वो प्रोग्राम क्लोज होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये करता है कि उसको जो जगह दी गई थी वो जगह वापस ले लेता है उससे। क्यों? ताकि हम उसको रीयूज़ कर सकें। रीयूज़ करने का मतलब दोबारा कोई नया प्रोसेस प्रोग्राम आए उसको हम क्या कर सकें, उसके अंदर एंटरटेन कर सकें। सो दिस इज़ इट,
मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर बड़ा सिंपल सा काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि फंक्शंस पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, प्रोसेस भी कौन करवा रहा है, प्रोसेस भी कौन करवा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे OS कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा मेमोरी भी कौन फ्री करवा रहा है, और उसके अलावा जो दे रहा है सारा काम कौन करवा रहा है, ये भी आपके पास सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवा रहा है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही कोई प्रोग्राम फाइल चीज़ आती है आपके पास, उसको एक मेमोरी एलोकेट की जाती है, और जैसे ही वो प्रोग्राम ख़त्म होता है तो उसे वो मेमोरी वापस ले ली जाती है। क्यों वापस ले ली जाती है? ताकि उसको हम रीयूज़ कर सकें, किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो नेक्स्ट वन इज़ इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। तो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ ऑल इनपुट ऑपरेटिव डिवाइसेस अटैच्ड टू कंप्यूटर। जितनी भी कंप्यूटर के साथ डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि इनपुट ऑपरेटिव डिवाइस के बाद कीबोर्ड है, माउस है, उसके अलावा आपके पास जब आउटपुट डिवाइसेज की हम बात करते हैं, हम कहते हैं लेट्स सपोज हमारे पास CPU है, स्कैनर है। तो जितनी भी डिवाइसेज आपके पास बाहरली अटैच होती हैं, वो आपके पास सारी क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। और वो मैनेज कौन करता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। जैसे लास्ट में मैंने आपको लेक्चर में ये भी बताया था, अगर आप लोगों ने सुना है, उसके अंदर मैंने ये चीज़ें क्लियर की हैं आपको, कि जब भी कोई डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, जब भी कोई चीज़ हम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर के अंदर, लेट्स सपोज प्रिंटर हमने इंस्टॉल करना है, प्रिंटर को हमने एटलीस्ट यूज़ करना है अटैच करके, तो उसका जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो ये सारी जो चीज़ें इनपुट ऑफ डिवाइस जो कंप्यूटर से अटैच होती हैं, उन सबको मैनेज करने वाले एक ही चीज़ है, और वो है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। होपफुली इट इज़ मोर क्लियर। नेक्स्ट आपके पास फाइल मैनेजमेंट। देखो बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है, एक फ़ाइल होती है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। अब जब वो फाइल हम कंप्यूटर के अंदर बनाते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर फाइल बनाते वक्त बड़ी सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं कि फाइल्स और फोल्डर्स जैसे हम कंप्यूटर के अंदर बनाते हैं, अब वो फाइल्स और फोल्डर किसी भी चीज़ की होती है, किसी टेक्स्ट की हो सकती हैं, किसी इमेजेस की हो सकती हैं, वीडियोस की हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उनके फाइल्स के ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वो ऑपरेशंस कैसे हैं, लाइक आपके पास है, आप उसको उसको रीनेम कर सकते हो, उसको क्रिएट कर सकते हो किसी फाइल को, उस फाइल को हम डिलीट कर सकते हैं, उस फाइल को हम मूव करवा सकते हैं, उस फाइल को हम सर्च कर सकते हैं, मतलब यही कुछ ऑपरेशंस हैं जो यहाँ पे गिवन है, ये देख लो आप। तो इन सारे ऑपरेशंस के ऊपर ही हम सारा काम कर रहे हैं ना, तो ये जो ऑपरेशंस हैं यही हम परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके ऊपर। लेकिन ये ऑपरेशंस तब परफॉर्म होंगे जब आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हेल्प आउट कर रहा है ये सारे काम करने में, एक फ़ाइल को क्रिएट करने में, उसको रीनेम करने के लिए, सारे के लिए उसकी मदद कर रहा है, ठीक है। तो ये उसका आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट आपके पास रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट का बड़ा सिंपल सा काम है। रिसोर्सेज में आप सबसे पहले देखोगे रिसोर्स मैनेजमेंट में रिसोर्सेज हैं कौन कौन से। रिसोर्सेज में बेटा आपके पास मेमोरी है, उसके अलावा आपके पास प्रोसेस है, उसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, CPU है, जितनी भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, इन तमाम तर रिसोर्सेज को, CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा रहा है। जब भी किसी प्रोसेस को, किसी प्रोग्राम को CPU की ज़रूरत होती है, तो उसको हम प्रॉपरली एलोकेट करते हैं, ये अभी जाए उसके पास CPU के पास। जब उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत होती है, तो वो इनपुट डिवाइसेस उसको अपने पास बुला लेते हैं, और ये प्रॉपर तरीके से काम हो रहा होता है, तो इसे हम कहते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। और ये भी कौन कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास यूज़र मैनेजमेंट है। यूज़र मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप अपना एक अलग से कंप्यूटर के ऊपर अपनी एक सिक्योरिटी रख सकते हो, मतलब आप अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो कंप्यूटर के ऊपर। वो दो तरह के अकाउंट्स हो सकते हैं, यूज़र हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर में वो बंदा जा सकता है जो उसका ऑथराइज्ड है, लाइक हम उस पर पासवर्ड लगा देते हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेज, स्कूल्स के अंदर, लैब्स के अंदर जो सिस्टम्स पड़े होते हैं वहाँ पर इस तरह के बने होते हैं सिस्टम। दो तरह के अकाउंट होते हैं उसके ऊपर, एक यूज़र और एक एडमिनिस्ट्रेटर। अब एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसको एक राइट है कि वो उसके अंदर जाए, और जाने के बाद उसके अंदर कोई चेंजिंग्स कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो यूज़र वाला अकाउंट है वो उसके अंदर कोई ऐसा चेंजिंग नहीं कर सकता, वो सिर्फ उन एप्लीकेशंस, उन प्रोग्राम्स को यूज़ करेगा जो कि एडमिनिस्ट्रेटर ने उसके लिए इंस्टॉल करके रखी हुई हैं, ठीक है जी। तो हम एटलीस्ट जो अपने कंप्यूटर पर पासवर्ड भी लगाते हैं वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ज़रा देखना है कि इसको कैसे हम लेके चलेंगे आगे। तो दिस इज़ इट, ये फंक्शंस है कुछ कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के, और इनको आई थिंक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने, लेकिन अगर अभी भी आप लोगों को इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास कॉमन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, ज़रा देखिएगा बेटा। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कॉमन टाइप्स हैं ना, वो तीन तरह की हैं।
और ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिकली इंटरफेसेस की बात हो रही है, ये चीज़ें में रखनी है आपने। तीन तरह, एक कमांड लाइन इंटरफेस है, एक मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस है, और एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। जो आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस है, जिसे हम CLI भी कहते हैं, CLI बेसिकली आपके पास टेक्सचुअल इनपुट है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। ठीक है, मतलब पुराने ज़माने में जब आपके पास कंप्यूटर्स हुआ करते थे और उनके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, वो हम जो भी काम करना होता था हम क्या करते थे, टेक्सचुअल इनपुट के ज़रिए कोई भी एक मतलब कमांड एंटर करते थे कंप्यूटर के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसके कुछ जो थे ना नुकसानात भी थे कमांड लाइन इंटरफेस के। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वन, चीज़ें में रखनी है आपने, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वन। तो इसके बाद में कुछ नुकसानात भी हुए। नुकसानात क्या हुए जी, वो नुकसानात ये हुए कि एक तो इसके अंदर दो बड़े मसाइल थे। एक तो ये था कि ये टेक्सचुअल इनपुट थी और इसको याद रखना जो था ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मुश्किल क्यों था, क्योंकि जो कमांड्स थी इतनी आसान नहीं थी, बड़ी मुश्किल थी। आपने ख़ुद नोट किया होगा, अगर आपके पास एक दो दो तीन जगह अकाउंट होना तो उसके पासवर्ड अक्सर आप भूल जाते हो, अनटिल अनलेस जब तक आपने उसको लिख के नहीं रखा हो अपने पास। तो एक न्यू बंदे के लिए, एक बेसिक बिगिनर के लिए, बट इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़ दैट काइंड ऑफ इंटरफेस। सो दैट्स व्हाई दैट गेट ऑब्सोलीट, दैट कमांड लाइन इंटरफेस गेट ऑब्सोलीट जस्ट बिकॉज ऑफ द टू थिंग्स। नंबर वन वाज दैट द कमांड्स वर वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर दोज कमांड्स टू परफॉर्म एनी टास्क। तो उसको कोई भी काम करने के लिए उसको जो था वो बड़ा मुश्किल था याद रखना। अब CLI की मज़ीद दो एग्जाम थी, एक तो हमारे पास था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं डॉस, ठीक है। और ये जो डॉस था ये आपके पास बेसिकली प्रॉपरली एक CLI है, और इसका तरीकाकार ये होता था कि एक कमांड लाइक प्रॉम्प्ट करता था स्क्रीन के ऊपर, जो सी कॉलन उसके बाद एक स्लैश है और फिर आपके पास एक ग्रेटर देन का साइन है, जिस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये आपके पास, और इसके आगे आप कोई भी कमांड लिख के प्रोग्राम परफॉर्म कर देते हैं। और वो कमांड कुछ आप लोगों के सामने ये लिखी हुई है, जिस तरह आपके पास डायरेक्ट्री है, डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ करंट डायरेक्टरी फोल्डर, ठीक है, फॉर्मेट डी है, फॉर्मेट द डी ड्राइव, ठीक है, उसके बाद CD पिक्स हैं, CD स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी, आप डायरेक्टरी चेंज कर सकते थे उसके पिक्चर्स के, तो ये आप सारे काम कर सकते। तो बेसिकली ये आपके पास कमांड्स होते थे जो आप CLI के अंदर देते थे। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस होता था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है यूनिक्स, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ CLI, ठीक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1969, 1969 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और इट अलाउज मल्टीपल यूजर टू रन डिफरेंट प्रोग्राम एट द सेम टाइम, ठीक है। और इसका सबसे फ़ायदे वाली बात क्या थी, इसकी फ़ायदे वाली बात ये थी कि ये बड़ा एक सिक्योरिटी वाइज बड़ा अच्छा था, ठीक है, सिक्योरिटी वाइज इसको बहुत पसंद किया गया यूनिक्स को। और बाद में फिर इसको हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में भी ले आए थे, लेकिन जो मेन इसकी एग्जांपल है वो आपके पास मेन फ्रेम थी जो कि ज़्यादा मल्टीपल यूज़र्स को क्या करता था, सपोर्ट करता था। खैर, अब हमारे पास ये इंटरफेस होने के बाद अब नेक्स्ट आ गया आपके पास मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। बेटा जो मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस है वो आपके पास बड़ा सिंपल है कि CLI जो था कमांड लाइन इंटरफेस था ये मेन्यू ड्रिवन है, इसका मतलब हम मेन्यूज़ के ऊपर क्या करते थे, रन करते थे प्रोग्राम को, मेन्यू ड्रिवन, मेन्यू पर चलने वाला इंटरफेस। तो इसमें क्या होता था, बेसिकली आपके पास कुछ मेन्यूज़ ड्रॉप डाउन मेन्यू बॉक्सेस ओपन होते थे और उनको आप देख के आप क्या करते थे, काम करते थे। फॉर एग्जांपल बड़ा सिंपल सा काम है, आपको मैं एक रियल लाइफ से एग्जांपल दूँ, अगर आप कोई मोबाइल में पैकेज करवाते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, एक कोड एंटर करते हो। जब आप कोड एंटर कर लेते हो तो उस कोड एंटर करने के बाद आपके पास एक मेन्यू ओपन होता है, लेट्स पर मैंने पैकेज करवाना है, मैंने एक कोड एंटर किया, उन्होंने मुझसे कहा कि आपने कॉल पैकेज करना है, मैसेज पैकेज करना है, इंटरनेट पैकेज करना है, कौन सा पैकेज करना है, तो मैं कहता हूँ लेट्स पर मैंने कॉल पैकेज करना है, तो मैंने उसके लिए 1 प्रेस कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि कॉल पैकेज करना तो है लेकिन ऑफ मिनट करने हैं, ऑन मिनट करने हैं, कितने मिनट चाहिए, क्या कितने दिनों के लिए चाहिए, वो सारे मुझसे मेन्यूज़ में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैं क्या जवाब दे रहा हूँ और एंड पे मेरा पैकेज हो जाता है। तो क्या है, मेन्यूज़ के ऊपर चला हूँ, मेरे सामने चीज़ें आ रही हैं, मैं उनको देख के परफॉर्म कर रहा हूँ, नथिंग टू रिमेंबर इन दैट इंटरफेस, मुझे कुछ याद नहीं रखना उसके अंदर, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल अगर आपको मैं दूँ, तो आप जब किसी रेस्टोरेंट पर जाते हो तो वहाँ पर सबसे पहले जाके आप क्या डिमांड करते हो कि यार मेन्यू ले आओ, ऐसे ही है। वट डज़ इट मीन, इसका क्या मतलब, घर से आप डिसाइड करके नहीं ये वो कि आपने खाना है, ये है वो खाना है, ये खाना है,
डिसाइड तो करके गए हुए हो आप, लेकिन फिर भी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? जस्ट बिकॉज़ कि आपके पास जो मेन्यू, जब आपके पास आता है तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, आपको वैरायटी क्वालिटी का पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है और क्या किस रेंज में क्या चीज़ है। तो मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस वाज मच बेटर देन CLI, बट वो भी एक टाइम तक चला, उसके बाद उससे भी एक अच्छी चीज़ आ गई जिसे हम GUI कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बट बिफोर दैट यू गैस हैव टू रिमेंबर दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। नंबर वन इज़ नोवेल्स सो नेटवेयर, एंड द नेक्स्ट वन इज़ प्रोडॉस, प्रो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जो आपके पास नॉवेल्स नेटवेयर था वो आपके पास 1993 में रिलीज़ हुआ, जबकि जो उसका फर्स्ट वर्जन था, और जो प्रोडॉस था वो आपके पास बड़ा सिंपल सा एक मेन्यू ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम था, और ये कुछ एप्पल कंप्यूटर्स के इस्तेमाल होता था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। व्हिच वन? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज़ वेरी सिंपल। सिंपल क्यों था? क्योंकि इसके अंदर आपके पास आइकन्स, इमेजेस, उसके अलावा पॉइंटर्स, विंडो, ये प्रॉपर आपके पास एक इस्तेमाल होता था। मेन्यू कर लो उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें। तो चूंकि जो आजकल हम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, विंडो 10 हो गई, विंडो 7 हो गई, 8 हो गई, ये सारी जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए तो करते हैं ना क्योंकि उसके अंदर आपके पास क्या है, ये तमाम तर चीज़ें होती हैं ना, मेन्यूज़ होते हैं, विंडोज़ होती हैं, तमाम तर चीज़ें, आइकन्स होते हैं, पॉइंटर होता है इवन के, तो आपके पास बड़ा सिंपल, आप उसको इजीली मूव करते हो पॉइंटर को स्क्रीन के ऊपर, और जिसको भी क्लिक करना है डबल क्लिक किया उसको ओपन कर लिया। ठीक है, फाइल फोल्डर ओपन हो रहे हैं जी आपके पास माउस की हेल्प के साथ। इट इज़ वेरी ईजी। ठीक है, कुछ एडवांटेजेस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं इसके, और एडवांटेज अगर आप रीडर करो तो आपको पता चलेगा बड़े आसान है, यूज़र फ्रेंडली है, ईजी लर्न है। उसके अलावा आपके पास एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स आप एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हो, एक को मिनिमाइज़ करके दूसरे को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। नो नीड टू मेमोराइज़ द कमांड्स, लेकिन आपको कमांड्स याद करने की ज़रूरत भी क्या है? आपके पास सामने चीज़ें, आप उसको देख के ओपन कर रहे हो। ठीक है, और उसके अलावा इसके दो तीन जो है ना वो एक डिसएडवांटेज में आते हैं। एक तो ये कि जो कंप्यूटर्स हैं वो बड़े आपके पास एक हाई स्पीड होने चाहिए, फास्टर होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर इंटरफेसेस। और जो मैक ओएस कह रहा हूँ, जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लाइक विंडो है, वो अच्छी खासी मेमोरी ले लेता है कंप्यूटर की। तो ये भी चीज़ें इनमें रखनी है आप लोगों ने। नेक्स्ट इज़ मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपने चीज़ें इनमें रखनी है कि मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ आल्सो GUI बेस्ड इंटरफेस, बट दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विच इज़ मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये एक ऐसे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि बहुत ज़्यादा महंगा होता है, और ये 1984 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसका जो फर्स्ट वर्जन था दैट वाज मैक ओएस एक्स। ठीक है, सॉरी इट वाज द लेटेस्ट वन। ठीक है, तो अब आपके पास जो मैक ओएस, इसकी सिंपल सी आपको ये बात बताऊँ कि जो आपके पास एप्पल्स के कंप्यूटर्स होते हैं या लैपटॉप्स होते हैं, इनको अगर आप जहन में रखो तो ये आपको पता चलेगा कि वो बड़े आपके पास सिंपल सी बात है कि महंगे होते हैं, और उनकी वजह ये होती है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मैक ओएस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट एक MCQ है, इसको जहन में रखना है। लिनक्स इज़ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपने बताना लिनक्स इज़ अ ओपन सोर्स। ठीक है, लिनक्स ऊपर क्लिक करना आपने, तो ये भी आपके पास ये ओपन सोर्स, ओपन सोर्स के लिए था, इसका जो कोड था वो फ्रीली अवेलेबल आपके पास, उसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने है, ये इसका सारा सिस्टम कि विंडो 7 है, विंडो 8 है, 95 थी, XP, तो ये मिलेनियम है आपके पास। तो ये सारे इंटरफेसेस भी आपने देखे हुए हैं, इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ऑपरेटिंग, अब मैं ज़रा चीज़ों को ज़रा थोड़ी डिटेल में लेके चलूँगा क्योंकि अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपने इसको ज़रा देखना फुली। तो सिंपल है, देखते हैं ज़रा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली हमने दो हिस्सों डिवाइड कर दिया, एक सिंगल यूज़र और एक मल्टीपल यूज़र। ये दो मैं दो चीज़ें कर रहे हैं, सिंगल यूज़र और मल्टीपल यूज़र। तो हम सिंगल यूज़र के सिस्टम बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ यूज बाई सिंगल यूज़र एट अ टाइम इज़ नॉन एज अ सिंगल यूज़र।
एक टाइम पर एक बंदा उसको इस्तेमाल करे तो आपके पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, और सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो आपके पास माइक्रो कंप्यूटर्स पर चले होते हैं, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर एक बंदा एक टाइम पर इस्तेमाल कर रहा है, और इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल्स है विंडोज 7 है, 95, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं किसकी, ऑपरेटिंग, हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये चीज़ें हमें रखनी है। अच्छा, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो कि बड़े बड़े कंप्यूटर्स पर लाइक मेन फ्रेम पर चल रहे होते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूंगा, लेट्स सपोज हम किसी चीज़ को जब एक्सेस करते हैं, लेट्स सपोज नादरा है, उसकी हम एक ब्रांच है, तो उसका हम जब एक्सेस करते हैं तो वहाँ पर जो सिस्टम पड़ा होता है, वहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसको एक टाइम पर बहुत सारे यूज़र्स क्या कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं, मल्टी यूज़र, एक से ज़्यादा यूज़र एक्सेस कर रहे होते हैं। तो उसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके पास बड़ी सिंपल हैं, लाइक विंडो NT है, यूनिक्स है, लिनक्स है, बड़े पॉपुलर किस्म के मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे ज़रा आपने चीज़ को समझना, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपके पास तीन किस्म की टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। पहले हम जो बात कर रहे थे वो टाइप्स थी इंटरफेसेस की बेस पर। तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम जो है, इसमें अंदर हम काम को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, कुछ बैचेस बना देते हैं, ग्रुप कर देते हैं काम को, ठीक है, और उसको फिर हम वन बाई वन हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि जब हम डाटा इकट्ठा करते हैं किसी भी काम के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉर्ड जो आपके पास स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं उसको हम लेते हैं, और उसके बाद हम रिपोर्ट कार्ड्स बनाते हैं, रिपोर्ट कार्ड्स बनाने के बाद फिर जाके हम एक प्रॉपर रिजल्ट पे पहुंचते हैं, मतलब क्या, उन रिज़ल्ट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया डिफरेंट रिपोर्ट कार्ड्स पे, और फाइनल में हमने क्या किया, एक हमने एक रिज़ल्ट बनाया, हमने रिपोर्ट कार्ड जनरेट की और प्रिंट की, फिर उसको उसके बाद उसके बच्चों को हमने प्रोवाइड की। तो पहले हमने काम को डिवाइड कर दिया स्टूडेंट पर स्टूडेंट पे, उसके बाद फिर हमने पूरी क्लास का हमने कहा कि ये रिज़ल्ट आया जी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास टाइम शेयरिंग है, नेक्स्ट वन जो टाइम शेयरिंग है, इसको ज़रा देखिएगा। देखो आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो इस तरह का होता है आपके पास कि काम को इस तरह किया जाता है कि टाइम को शेयर कर दिया जाता है डिफरेंट जॉब्स के अंदर, डिफरेंट काम के अंदर, ठीक है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह जल्दी स्विच कर रहा होता है, इतना रैपिडली स्विच कर रहा होता है आपके पास कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप टाइम शेयर हो रहा है आपके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ, आपका फेडरल बोर्ड है, उसका रिज़ल्ट आया, तो जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन कितने यूज़र्स जो हैं वो उस रिज़ल्ट को एक्सेस कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी समटाइम्स वेबसाइट ही बैठ जाती है, तो सोचो कितने स्टूडेंट्स उसको एक्सेस कर रहे होते हैं एक टाइम पे। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि और वो जो आगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हर स्टूडेंट को उसका रिज़ल्ट शो कर रहा है, मतलब टाइम शेयर कर रहा है। एक स्टूडेंट की कमांड आई, उसने रोल नंबर एंटर किया अपना, उसको रिज़ल्ट दिखाया, दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर आया, उसको रिज़ल्ट शो किया, तो उसने टाइम शेयर कर दिया। इसी तरह आपके पास जब टिकट बुक करवाते हो, PIA के अंदर बात कर लो, किसी एक बस सर्विस की बात कर लो, होटल की बात कर लो, आप कॉल करके या ऑनलाइन आप बुकिंग करवा रहे हो लेट्स सपोज, तो उस टाइम वो आपको भी रिस्पांस कर रहा है, दूसरे यूज़र्स भी करवा रहे हैं, उनको भी रिस्पांस कर रहा है, तो टाइम स्विच कर रहा है, लेकिन इतना रैपिडली कर रहा है कि आपको इस चीज़ का इल्म ही नहीं हो रहा है कि टाइम शेयर हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज़ अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी सिंपल कि जो आपके पास ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके पास एक स्पेसिफिक कंडीशन को ट्रू होने पे क्या करेगा, उसको चलाएगा सिस्टम को। इसका आंसर, इसकी एग्जांपल यूँ है कि आपके पास जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वो आपके पास कैसे रेड ग्रीन हो रहे होते हैं, ब्लू रेड ग्रीन येलो हो रहे होते हैं, तो उन पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है दैट इज़ आल्सो नाउन एज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसके अलावा जो आपके पास कुछ ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्रीज़ होती हैं उनके अंदर आपके पास टेम्परेचर जो होता है वो एक ख़ास लिमिट तक होना चाहिए, ख़ास लिमिट तक का मतलब आपके पास लेट्स सपोज हम कहते हैं इस ऑयल रिफाइनरी है उसके अंदर टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो फिर अलार्मिंग सिचुएशन हो और उसको हम कंट्रोल करें। तो आप वहाँ पे क्या करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंस्टॉल करते हो ताकि वो क्या करे, जैसे ही 25 से टेम्परेचर ऊपर होता जाए तो वो आपको बताए कि इट्स गोइंग टू बी एक्सप्लोजन, और एक्सप्लोजन से बचने के लिए कुछ क्विक रिस्पॉन्स करो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको बताएं, इस तरह के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसका हम कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट आपके पास है गेटिंग स्टार्टेड विद GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। अब GUI ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास वही बात, आपको पता है कि इसके अंदर मेन्यूज होते हैं, आइकन्स होते हैं, पॉइंटर्स, विंडो, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम कुछ बेसिक आइकन्स की बात करेंगे यहाँ पर, जो बेसिक आइकन्स है ना इनकी बात करेंगे। तो बेटा देखो, अगर आपने कंप्यूटर को यूज़ किया हुआ है तो यू नो गाइज नो वेरी वेल कि कुछ आइकन्स होते हैं जो कि आपके पास यहाँ पर नज़र भी आ रहे होंगे आपको,
ये आपके पास कुछ आइकन्स हैं, और हम इन्हीं की बात करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास सबसे पहले रिसाइकल बिन है। रिसाइकल बिन के अंदर क्या हो रहा होता है आपके पास, कि आप कोई भी चीज़ आप डिलीट करते हो, और इस तरह की आपके पास एक ये ऊपर ऊपर ये आपके पास रिसाइकल बिन में आता तो जब कोई भी चीज़ आप डिलीट करते हो तो वहाँ कहाँ चली जाती है, रिसाइकल बिन में चली जाती है। ठीक है, आप वहाँ से जाके उसको रिस्टोर कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो वहाँ से भी उसको परमानेंटली डिलीट कर दो। नेक्स्ट इस कंप्यूटर आइकन, कंप्यूटर का आइकन होता है आपके पास ये जो आपके पास है, दिस वन। इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको बड़ा सिंपल है कि इसको आप ओपन करो, इसके अंदर डिफरेंट ड्राइव्स होती हैं, उन ड्राइव्स के अंदर डेटा रख सकते हो, आप लोग सारा काम कर सकते हो कि जैसे कंप्यूटर। उसके बाद फोल्डर आइकन है, फोल्डर आप इसके फोल्डर को ओपन बना के इसके अंदर डिफरेंट फाइल्स को रख सकते हो। ठीक है, सारे काम कर सकते हो। उसके बाद MS वर्ड की आपके पास है, किस तरह MS वर्ड को लेके चलना होता है, फाइल आइकन है, प्रोग्राम आइकन है, शॉर्टकट आइकन है, ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, और ये एवरीबॉडी नोज अबाउट इस, आपने जस्ट इसको सिंपल रीड आउट करना है एक दफ़ा। अच्छा, उसके बाद आपके पास बड़ा सिंपल सा काम है जिसको आपने रीड आउट करना है एक दफ़ा, वो है आपके पास मैनेजिंग डेटा फाइल्स एंड फोल्डर्स। देखो बेटा, सब बड़ी सिंपल से बात है, इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि आपने किस तरह आपने फोल्डर क्रिएट करते हो, उसके अंदर किस तरह आप चीज़ें रखते हो। तो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है कि आप किसी डायरेक्टरी में चले जाओ, किसी ड्राइव में चले जाओ, वहाँ पे जाने के बाद आप माउस के ऊपर राइट क्लिक करोगे। ठीक है, तो आपके पास एक न्यू का ऑप्शन आएगा, जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो एक मेन्यू बॉक्स ओपन होगा, उसके ऊपर न्यू लिखा होगा। आप न्यू के ऊपर जाके क्लिक करोगे तो आपके पास साथ ही एक और फोल्डर मेन्यू कह सकते हो, ड्रॉप डाउन मेन्यू बॉक्स कह सकते हो, वो ओपन होगा। उसके ऊपर एक फोल्डर का ऑप्शन होगा, मैं आपको अगर यहीं पे दिखाऊं तो बड़ा सिंपल है। देखो बेटा, ये आपके पास सबसे पहले नज़र आ रहा होगा आपको, ये न्यू लिखा हुआ है हल्का सा ये यहाँ पे। इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक फ़ोल्डर का ऑप्शन आ रहा होगा, इस फोल्डर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक फ़ोल्डर बन जाएगा। उस फोल्डर के अंदर आप डिफरेंट चीज़ें रख सकते हो। अच्छा, वो रखने के बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ओपन कर सकते हो जब भी आपको चाहिए। लेकिन जब आपने डिलीट करना है, व्हेन यू वांट टू डिलीट समथिंग, तो आप उसको क्या कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट करने का तरीका क्या है, आपने सिंपल उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है जिस चीज़ को आपने डिलीट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करोगे, उसको डिलीट कर दोगे। और अगर हम कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो आप सिंपल उसको क्या करोगे, जो चीज़ें आपने कॉपी करनी है उसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करो, ऑप्शन आएगा बस कॉपी का, इस तरह यहाँ पे भी आ रहा है, ये कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी को क्लिक करोगे तो कॉपी हो जाएगा। और जहाँ पे आपने पेस्ट करना है वहाँ पे जाके राइट क्लिक करो और पेस्ट का ऑप्शन होगा, उस पेस्ट के ऊपर क्लिक करो तो पेस्ट हो जाएगा, बड़ा सिंपल आपके पास। ठीक है, तो जिस फोल्डर को डिलीट करना है उसके ऊपर जाके राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद उसको डिलीट कर दो वहाँ से, सिंपल। ठीक है, दिस इज़ इट। लास्ट में आपके पास सिस्टम इंस्टॉलेशन है, इसके अंदर आपको विंडो सिखाएगी कि आपने किस तरह विंडो इंस्टॉल करनी है, वो इमेजेस हैं एज इट इज़ आपने देखनी है। ठीक है, और उसके बाद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, वो आपको बताया गया है किस तरह आपने उसको इंस्टॉल करना है, वो एज़ इट इज़ है, वो प्रैक्टिकल इंशाल्लाह करवाया जाएगा आपको। और लास्ट में आपके पास विंडो डिफेंडर के नाम से एक छोटा सा टॉपिक होगा जिसको आपने रीड आउट करना है, और उसके अंदर आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि विंडो डिफेंडर बेसिकली है क्या। विंडो डिफेंडर जो है ना, वो बड़ा एक सिंपल सा काम है कि आपने उसको लेके यूँ चलना है, विंडो डिफेंडर के नाम से होगा वो, विंडो डिफेंडर। ठीक है, इस विंडो डिफेंडर को आपने ज़रा देखना, यूँ है कि विंडो डिफेंडर के अंदर आपके पास ये एक ऐसा फीचर है जो कि सिर्फ विंडो 10 के अंदर, बेसिकली हमारे पास जब वायरस आता है कंप्यूटर के अंदर तो हम उसको क्या करते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। तो एंटीवायरस का इस्तेमाल तब होता है जब हम वायरस को ख़त्म करना चाह रहे होते हैं, और ये विंडो 7 के अंदर मोस्टली इस्तेमाल होता है, विंडो 7 और जितनी पिछली थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो विंडो 10 है उसके अंदर एक फ़ीचर है, एक्स्ट्रा फीचर है उसकी सिक्योरिटी के लिए, वो है विंडो डिफेंडर के नाम से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको आपकी कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाए तो जो विंडो 10 है उसके अंदर जो फीचर है विंडो डिफेंडर के नाम से, वो बैक एंड पे चल रहा होता है, वो क्या करता है उस वायरस को रिकग्नाइज करता है, उसको फिर उसके बाद उसको रिमूव भी करता है, एक तो डिटेक्ट करता है उसके बाद रिमूव भी करता है। तो ये बैक एंड पे ऑटोमेटिकली विंडो 10 के अंदर एक्स्ट्रा फीचर है जो कि चल रहा होता है, सो इट मींस दैट वी आर नॉट गोइंग टू इंस्टॉल एनी एंटीवायरस इन विंडो 10, राइट। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ सेकेंड चैप्टर फॉर द क्लास 9th, व्हिच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपने ज़रा देखना है इसको, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज को देखिएगा
इवन देन अगर आपको चीज़ समझ नहीं आती तो यू गाइस आर मोस्ट वेलकम, पूछ सकते हो आप कमेंट्स में। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव लगी है और इसके अंदर कुछ पसंद आई आपको, तो मेक श्योर कि आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन पे भी क्लिक करो, ताकि आपको जो नई वीडियोस हैं उनकी सबसे पहले आपको पता चले। और लास्ट में अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।